संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली, 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया, तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा। 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है, ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को भुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, दो बैल, गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा, ये सारे उनके कारनामे, उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक गमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, गमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है।